दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सहयोग से रेलवे स्टेशन परिसर में चाइल्ड लाइन हेल्प बूथ का शुभारंभ किया गया। बेबस, बेसहारा और मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। शुभारंभ अवसर पर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना हम सभी का सामाजिक दायित्व है, जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ समाज में अपनी पहचान कायम करने का मौका मिले। बच्चे का ध्यान हमने आज से दिया तो आगे आने वाला जो समय है वो हमारे देश का अच्छा होगा, क्योंकि यही बच्चे हमारा कल का भविष्य है। और इसलिए आवश्यकता है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको हम शिक्षित करें, व्यवस्थित करें, हष्टपुष्ट करें और उनको एक अच्छी शिक्षा देकर इस देश का अच्छे नागरिक के लिए उनको तैयार करें। चाइल्ड लाइन हेल्प बूथ पर प्रकाश डालते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने कहा कि भूले भटके और बेसहारा बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाइल्ड लाइन 1098 हेल्प बूथ 24 घंटे चलने वाली निशुल्क फोन सेवा है, जो घुमंतु और जरूरतमंद बच्चों की सेवा में तत्पर कार्य करेगी। इसका संचालन समर्पित संस्था द्वारा किया जाएगा। हम ऐसे बच्चों जो रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं या कहीं पर भी घूम रहे हों, अगर हमें वो मिल जाती है और अपनी समस्या बताते हैं तो उसको हमको मदद करने का है। चाइल्ड हेल्प लाइन बूथ में ला करके उसको हम बता सकते हैं कि इसमें आप जुड़ करके समाज की मुख्य धारा में अपने जीवन का सार्थकता, जीवन की सफलता की कड़ी में जोड़कर हम अपने आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और आपको शिक्षा से भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है एक अच्छा जीवन यापन हम कर सके। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित शहर के आसपास हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे देखे जा सकते हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए शहर में घूम घूम कर कचरा बिनने का काम करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन बच्चों का चयन कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने प्रयास करे ताकि इनका भविष्य बेहतर हो सके। सिटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।